हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अरबी की झोल वाली सब्ज़ी बताऊंगी, जो जूस वाली बनती है। तो ये है अरबी, और अरबी को मैंने बॉईल करके और छील लिया है, साफ़ कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से बॉईल होने के बाद दिखती है, और मैंने कुछ काट भी ली हैं और ये बॉईल की हुई आपको दिखाने के लिए रखी हैं। ये देखिए, हमें इनको आलू जैसे हम लोग बॉईल करते हैं वैसे बॉईल करना है। तो ऐसे मैंने बॉईल करके और इनको गोल गोल चौकोर पीस में कट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ अरबी की झोल वाली सब्ज़ी। ये देखिए, अब हम इसका सामान देख लेते हैं। अरबी में डालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये अरबी तो मैंने दिखाई दी थी आपको, ये मैंने कट कर ली है। ये देखिए, मैंने एक टमाटर कट किया है, दो तीन हरी मिर्च ली हैं, और दो बड़े प्याज लिए हैं, और ये लहसुन लिया है, और ये देखिए हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा तड़का लगाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, दो से तीन चम्मच। रिफाइंड ऑयल थोड़ी सी ज़्यादा ही डालना है हमें, क्योंकि तली वाली सब्ज़ी में फिर बाद में कलर नहीं आता है अगर रिफाइंड कम होता है तो। देखिए रिफाइंड मेरा गरम हो गया है, अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। जीरा मेरा अच्छे से तड़क गया है, अब मैं इसमें सबसे पहले प्याज डालूंगी। प्याज को हल्का भुनने के बाद में हमको इसमें गार्लिक और हरी मिर्च को ऐड करना है। ये देखिए, अनियन मेरी हल्की सी भुन गई है, अब मैं इसमें गार्लिक और हरी मिर्च को ऐड कर दूंगी। अब हमको इन तीनों चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से चलाना है। देखिए प्याज मेरी भुन गई है, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर को हल्का भुनने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। ये देखिए, टमाटर मेरा भुन गया है हल्का सा। टमाटर मेरा भुन गया है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये मिर्च पाउडर, इनको थोड़ी देर तक हमें चलाना है ताकि आराम से मंदी आंच में भुन जाए। देखिए मसाले मेरे भुनने लगे हैं, अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी। और अच्छे से चलाते हुए इनको अच्छे से पकाऊंगी। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, वरना तब सब्ज़ी तीखी लगेगी। ये सब्ज़ी कोई कोई लोग बनाते हैं तो
लसलसी सी बनती है, बट आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही बॉयल आलू से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। और ये फ़ायदा भी करती है, फ़ायदेमंद भी होती है। मसाले को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ऑयल छोड़ने तक हमको भूनना है। ये देखिए मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है और मसाला मेरा देखिए ऑयल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें अरबी ऐड करेंगे। ये जो अरबी मैंने कट की हुई थी अब मैं इसको इसमें डालूंगा। इसको हमें 2 से 3 मिनट तक चलाना है अच्छे से। देखिए सब्ज़ी अभी से कितनी अच्छी दिख रही है, अभी से कितनी टेस्टी दिख रही है। इसको थोड़ा सा चलाना है 2 से 3 मिनट तक। देखिए सब्ज़ी मेरी कितनी अच्छी दिख रही है अभी से। देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें आपको कितना झोल चाहिए उस हिसाब से। कितने लोगों के लिए आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल लीजिएगा। अब हमको इसे देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, अब हमको इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक देना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको ढक देती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गया है, अब मैं इसको हटाती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी मेरी अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें नमक और गरम मसाला ऐड कर देते हैं। नमक और ये गरम मसाला थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ। बस सब्ज़ी को थोड़ी देर गरम होने देते हैं हम, और अच्छे से थोड़ी देर 1-2 मिनट और गैस पर रखे रहने। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और बताएं कि बनाने के बाद में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने किस तरीके से बनाई थी और आपकी सब्ज़ी कितनी अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। बाय।